तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने शांति से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की बात कहता रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल उलट है। वहीं दूसरी तरफ पंजशीर की हम बात कर ले तो पंजशीर पर एक बार फिर से कब्जा करने की कोशिश पाकिस्तान की तालिबान की तरफ से की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से नाकाम रहा है। पंजशीर पर हमला करने आए 350 तालिबानी लड़ाके ढेर हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। एनआरएफ को इस दौरान कई अमेरिकी वाहन हथियार भी हाथ लगे हैं, और इससे पहले जानकारी आई थी कि मंगलवार रात को तालिबान ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की, जहां उसका मुकाबला नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से हुआ। स्थानीय पत्रकार नातिक मालिक ज़ादा की ओर से ये ट्वीट किया गया, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के पंजशीर के एंट्रेंस पर गुलबहार इलाके में तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हुई। इतना ही नहीं, तालिबान की ओर से यहां पर एक पुल उड़ाने की भी खबर सामने आई है, और इसके अलावा कई लड़ाकों को पकड़ा भी गया है।